stage. This is मधुसूदन नायक, श्री नॉज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा फॉर 20K सब्सक्राइबर के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप पर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं VMware पर, एंड आपका कंप्यूटर पर दो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो। मैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज लिनक्स की तरह एक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये नॉर्मली एप्पल कंप्यूटर पर देखने को मिलता है। तो चलिए हम किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप पर VMware पर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं। VMware और वर्चुअल बॉक्स दोनों लगभग सेम सॉफ्टवेयर है। इन दो सॉफ्टवेयर को यूज करके आपका कंप्यूटर पर वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आप कंप्यूटर बिल्ड करने के टाइम रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर ये सब कुछ लेते हो, ऐसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को आपका रैम, हार्ड डिस्क एंड प्रोसेसर थोड़ा थोड़ा देके आपका कंप्यूटर पर एक वर्चुअली मशीन क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए हम देख लेते हैं उसे कैसे करते हैं। उसके लिए आप ये दो फाइल को डाउनलोड कीजिए। इन दोनों फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर लीजिए या freeknowledge.in पर मिल जाएगा आपको, आप वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद मैक ओएस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कीजिए, मैं पहले से एक्सट्रैक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद VMware सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कीजिए। इसे इंस्टॉल करने का टाइम यहाँ पे एनहेंस कीबोर्ड ड्राइवर इसे जरूर चेक कीजिए। इसे चेक करने के बाद आपका वर्चुअल मशीन पर अब आपका कंप्यूटर का कीबोर्ड एंड माउस यूज कर पाओगे। उसके बाद आपका कंप्यूटर रिबूट कीजिए। रिबूट करने के बाद एक्सट्रैक्ट किया मैक ओएस फोल्डर में जाइए, देन उसके अंदर अनलॉकर फोल्डर में जाइए, देन अनलॉकर 204 इस फोल्डर में जाइए, देन दोबारा से अनलॉकर 204 इस फोल्डर में जाइए। देन यहाँ पे देखिए विन इंस्टॉल नाम देके एक बैच फाइल है, इसमें राइट क्लिक कीजिए, देन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में क्लिक कीजिए। उसके बाद VMware सॉफ्टवेयर को ओपन कीजिए, देन सिंपली ओपन अ वर्चुअल मशीन इसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद आपने जो फाइल एक्सट्रैक्ट किया है उस फोल्डर में जाइए एंड वहाँ पे जाके .vmx फाइल को सिलेक्ट कीजिए, देन ओपन में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे एडिट वर्चुअल मशीन में क्लिक कीजिए एंड यहाँ से आप कितना जीबी रैम और कितना जीबी हार्ड डिस्क देना चाहते हो और कितना प्रोसेसर देना चाहते हो, मतलब उसे कितना कोर देना चाहते हो, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, देन ओके में क्लिक कीजिए। उसके बाद सिंपली इसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद अगर आपके सामने ऐसा एरर आता है तो सिंपली ब्राउज में क्लिक कीजिए एंड यहाँ से आप आपका मैक ओएस का वर्चुअल डिस्क इमेज सिलेक्ट कीजिए एंड देख लीजिए बूट होना शुरू हो गया है। और इसे कंप्लीट होने के लिए थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया। एंड देख लीजिए मैक ओएस को सेटअप करने का ऑप्शन आ गया है। सबसे पहले आप यहाँ से आपका कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए, मैं इंडिया सिलेक्ट किया। उसके बाद कंटिन्यू, देन कीबोर्ड सिलेक्ट कर लीजिए, मैं सबसे पहला सिलेक्ट किया। उसके बाद कंटिन्यू, उसके बाद सिंपली डोंट ट्रांसफर एनी इन्फॉर्मेशन नाउ इसे सिलेक्ट कीजिए, देन कंटिन्यू में क्लिक कीजिए, देन कंटिन्यू में क्लिक कीजिए। अगर आप लोकेशन यूज़ करना चाहते हो एनेबल लोकेशन सर्विस से चेक कीजिए, मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैं इसे छोड़ दिया। उसके बाद अगर आपके पास एप्पल आईडी है तो आप यहाँ से लॉगिन कर लीजिए, नहीं है तो आप क्रिएट करना चाहते हो यहाँ से आप क्रिएट कर लीजिए। मैं सिंपली डोंट साइन इन इसे चेक किया एंड कंटिन्यू में क्लिक किया, देन टर्म्स एंड कंडीशन एग्री में क्लिक कीजिए, दोबारा से एग्री में क्लिक कीजिए। उसके बाद आप क्या नेम देना चाहते हो यहाँ पर टाइप कर दीजिए, अकाउंट नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आप एक पासवर्ड दे दीजिए, देन सेम पासवर्ड वेरीफाई कीजिए। उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ से आपका टाइम जोन सेलेक्ट कर लीजिए, मैं सिंपली यहाँ पे कोलकाता टाइप किया, देन कंटिन्यू में क्लिक किया एंड ये देख लीजिए मेरा कंप्यूटर पर मैक ओएस इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए दो साइड पर ब्लैक बॉर्डर आ रहा है, उसे रिमूव करने के लिए सिंपली VM के अंदर इंस्टॉल VMware टूल्स इसमें क्लिक कीजिए, देन इंस्टॉल में क्लिक कीजिए। उसके बाद सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल VMware टूल्स में क्लिक करके आपका मैक ओएस पर इसे इंस्टॉल कर लीजिए। अगर इंस्टॉल करने के टाइम किसी भी तरह प्रॉब्लम आता है, जैसे कि आप मेरे कंप्यूटर पर देख सकते हो, उसके लिए आप सबसे पहले आपका मैक ओएस शट डाउन कर दीजिए एंड मेरा डिस्क्रिप्शन पर दूसरा लिंक मिल जाएगा VMware टूल्स का, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। देन आपका VMware सॉफ्टवेयर को ओपन कीजिए, उसके बाद एडिट वर्चुअल मशीन इसमें क्लिक कीजिए एंड यहाँ से CD/DVD इसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे यूज इमेज फाइल इसे चेक कीजिए एंड उस इमेज फाइल को सिलेक्ट कीजिए, देन ओके में क्लिक कीजिए। उसके बाद पावर ऑन द वर्चुअल मशीन इसमें क्लिक कीजिए।
एंड देख लीजिए मेरा मैकOS बूट होने के बाद यहाँ पे VMware टूल्स का एक फाइल आ गया है, उसके बाद सिंपली से नॉर्मली इंस्टॉल कर दीजिए। एंड इंस्टॉल करने के बाद आपका वर्चुअल मशीन रिबूट कीजिए। एंड रिबूट करने के बाद देख लीजिए ब्लैक बॉर्डर रिमूव हो गया है, और आप देख लीजिए मेरा कंप्यूटर पर अब दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक मेरा विंडोज 10 और दूसरा मेरा मैकOS। आप ऐसे करके आपका कंप्यूटर पर मैकOS यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए, उसके साथ साथ कमेंट करना मत भूलिए। एंड सबसे ज़रूरी बात, मेरे एसर कंप्यूटर मोबाइल एंड इंटरनेट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।